दोस्तों यदि आप हर दिन उठते ही ये सारे कार्य करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। आपके जीवन में कभी भी रुकावटें नहीं आती हैं। आपका जो ये मुश्किलों से भरा जीवन है धीरे धीरे सुखमय होने लगता है। ज़्यादातर हमें अपने बच्चों की चिंताएं होती हैं, संतानों के भविष्य की चिंता होती है, तो यदि आप ये सारे कार्य निरंतर करते जाते हैं तो आपको अपने भविष्य के चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सभी कार्य नियति समय पर होते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी की तो कभी कमी नहीं होती है। आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, आपको माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती सभी का आशीर्वाद मिलता है और निरंतर जीवन में आप प्रगति करते हैं। यदि कुछ कार्य आप सुबह उठते ही करना प्रारंभ करते हैं, कौन कौन से वो कार्य हैं जो कि हमें करने होते हैं और निरंतर इसे आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने किया और दूसरे दिन आपको नहीं करना है, हर दिन आपको प्रयास करना है कि ये सभी कार्य आपको करने हैं। कौन कौन से कार्य हैं एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला कार्य है सुबह उठते ही आपको अपने हथेलियों का दर्शन करना है। देखिए जो हमारा ये हाथ होता है इसी से हम सभी कार्य करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और जिसका परिणाम हमें स्वयं भुगतना पड़ता है। तो आप शुभ कार्य कर सकें इसलिए अपनी हथेलियों का दर्शन करना है और इन हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो इसलिए आपको हथेलियों पर इन देवी देवताओं का ध्यान करते हुए नमस्कार करना है और अपने मुख पर 3 बार इस तरह से आपको फेरना है। उसके बाद आपको दूसरे कार्य में लगना है। ये कार्य यदि अपने दिनचर्या में अपनाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित ही आपके जीवन में होती है। दूसरा कार्य है आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद हर दिन लेना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में आने वाले संकटों का विनाश होता है। तो आप अपने काम पर जाते हैं, आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करके जाएं। उनसे हमारा बृहस्पति मजबूत होता है। आशीर्वाद लेने से, झुकने से हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है, जिसके कारण हम सही कार्य करते हैं, हम कोई गलत कार्य करने में सोच विचार करते हैं। तो इसलिए आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यदि आप अपने घर के स्वयं बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो देवी देवताओं के चरण स्पर्श यानी कि देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आपको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। ये आपने नियम में अपनाना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें समय और धन नहीं खर्च होने वाला है। तो ये दो कार्य आपने जीवन में अपनाना है। तीसरा कार्य है आपको अपने रसोई की पहली रोटी, अपने घर में जब भी आप खाना बनाते हैं, आपकी पत्नी बनाती है, आपकी माँ बनाती है, तो पहली रोटी गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए। यदि आप हर दिन नहीं खिला सकते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा निकाल के आप एक कंटेनर में रखते जाएं और एक दिन जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो उस दिन उस सभी आटे की रोटियाँ बनाएं और गौशाला में जाकर खिला सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है। सिर्फ आप प्रयास करें, भाव रखें, क्योंकि देखिए गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम गौ माता की निरंतर सेवा करते हैं तो हमारे सभी जो कार्य होते हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। जो रुके हुए कार्य होते हैं जिनमें अवरोध उत्पन्न होता है वो भी बनने लगते हैं। हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं और हमारे ऊपर जो पितरों की कृपा होती है जिसके कारण हमारे सारे कार्य जो है विघ्न बाधा आते हैं, बनते बनते लास्ट मोमेंट पर रुक जाते हैं, ये सभी परेशानियों से हम दूर हो सकते हैं यदि आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो। दूसरी अहम बात है मछलियों को गोली खिलाना। देखिए दोस्तों, नदी, तालाब, नहर ज़्यादातर सभी शहरों में होता है, सिर्फ हमें प्रयास करने की ज़रूरत होती है। हमें अपने पितरों के आशीम कृपा पाने के लिए आप अपने पितरों का प्रसन्नता चाहते हैं तो आप मछलियों को आटे की गोलियां डालना प्रारंभ करें। जैसे कि अभी जब संगम स्नान हम लोग जाते हैं तो हम लोग अक्सर अपने घर से आटे की गोलियां बनाकर रख लेते हैं और उन्हें मछलियों के लिए ले जाते हैं। आटे की गोलियां
अलग अलग आटे का अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है, वो सब आप ना परेशान हो। जो आटे की रोटियां आप अपने घर में बनाते हैं उसी की छोटी छोटी गोलियां बना लें और उसको हल्के से हवा में सुखा लें, क्योंकि गीली आटे की गोलियां आपस में चिपक जाएंगी तो वो आप उसे खिला नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप आटे की गोलियां घर में बनाएं और उसे किसी तालाब किसी नदी में थोड़े थोड़े एक एक करके थोड़ा समय आपको बिताना चाहिए, वो आप खिलाना प्रारंभ करते हैं तो भी आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य हैं, जो आपके कार्य नहीं बनते हैं, वो भी बनने लगते हैं। कहते हैं कि मछलियों को आटा खिलाने से हमारा राहु ग्रह प्रसन्न होता है और राहु हमारे कार्यों में अड़चन पैदा करता है ना, तो वो सभी कार्य आपके बनने लगते हैं। तो ये भी आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर में जब भी कोई नई चीज़ लेकर आते हैं किसी को बिना दान किए नहीं खाना होता है, ये मैं आपको अक्सर हर वीडियो में बताती हूँ। जैसे कि पहले सीजन में चीज़ें होती थी और उस सीजन से मिलते जुलते त्यौहार आते थे और उन त्यौहारों पे उन चीज़ों का दान करके हम उन चीज़ों का सेवन करते थे, ये हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है। लेकिन अभी साइंस ने प्रगति कर ली है तो हर मौसम में हर चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो इन त्योहारों का इन चीज़ों का उतना महत्व तो हम नहीं दे पाते हैं। इसी कारण से आपको जब भी अपने घर में नई फल नई सब्जियां नई अनाज लेकर आते हैं तो उन्हें पहले आप दान कर दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आपका अधिक सामर्थ्य है तो किसी मनुष्य के लिए, यदि उससे कम है तो किसी जानवर के लिए, उससे कम है तो जीव जंतुओं के लिए करके तभी आपको उसका सेवन करना चाहिए, तो भी आपके घर में समृद्धि आती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें देखने सुनने में बहुत ही छोटी लगती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसे आपको अपना कर देखना होता है। हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उन्हें हमेशा अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं और जिसके कारण हमारा जो पारिवारिक माहौल होता है वो अशांतिपूर्ण हो जाता है, हमारा रातों की नींद उड़ जाती है। और ऐसा ना हो इसके लिए आपको चींटियों की सेवा करनी चाहिए, चींटियों का भोजन हमें तैयार करना चाहिए। यदि आप भंडारे नहीं करा सकते हैं, आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते हैं तो चींटियाँ आप उनका आहार तैयार करा सकते हैं। देखिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो जितना उनके भूख होती है उतना ही भोजन करते हैं, उसके बाद वहीं पर छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन चींटी ही एक ऐसा जीव है जो आने वाले दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करती है, संग्रह करती है, जैसे हम मनुष्य करते हैं ना, अपने आने वाले दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उसी तरह से चींटियाँ भी अपने आने वाले दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। तो यदि आप वो भोजन उन चींटियों के लिए आप इकट्ठा कर देंगे तो चींटियों का आशीर्वाद मिलता है, चींटियों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख आता है, खुशियाँ आती हैं, आपके जो बच्चे होते हैं निरंतर प्रगति के रास्ते पर चलते हैं। हमें अपने संतानों की चिंता करने की फिर आवश्यकता नहीं होती है यदि हम ये सभी छोटे छोटे कार्य अपने जीवन में अपनाते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण बात कि हमें अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का परम कर्तव्य माना जाता है। हमने बचपन से देखा है कि जब भी हमारे घर में कोई नई चादर आती है, कोई नया डिनर सेट आता है, कोई नई चीज़ आती है तो हमारे माँ बाप यही कहते हैं ना, अभी इसको रख दो, जब कोई मेहमान आएगा तब हम निकालेंगे। देखिए, हम मिडिल क्लास में तो ऐसा ही होता था, कोई नई कॉकरी की सेट आई है, कुछ भी आया है तो नहीं, पहले इसे रखो, कोई मेहमान आएगा। जब वो चीज़ें पुरानी होती हैं तब हम अपने परिवार में उसका इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा परंपरा था। लेकिन अभी धीरे धीरे जो नई जनरेशन है ये सारी चीज़ें भूलती जा रही है। हमें अपने अतिथियों के लिए अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे से अच्छे स्वागत की व्यवस्था करते हैं, ये हमारा परम कर्तव्य और उनमें हमें खुशी भी मिलती है। तो इसलिए अतिथि की सेवा, अतिथि का आदर, अतिथि को दक्षिणा, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर देना चाहिए। और स्पेशली आपके घर कोई नई बहू आती है, जिसकी नई नई शादी हुई है, नई बेटियां ससुराल से पहली बार आई हैं, तो आपको अपने घर आमंत्रण ज़रूर देना चाहिए और अपने यथाशक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वो स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती हैं। यदि आप पति पत्नी दोनों को अपने घर निमंत्रण
देते हैं, उन्हें भोजन पर बुलाते हैं और जाते समय कुछ उपहार देते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता कराकर जाते समय हरी इलायची और सौंफ जरूर दिया करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। दोस्तों, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कोई नई नहीं है, ये हमारे पूर्वज अपने दैनिक दिनचर्या में करते ही थे, इसलिए वो सुखी रहते थे। तो हमें भी इन सारी चीज़ों को अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि कौन से वो छोटे छोटे कार्य हैं जो कि अपने जीवन में अपनाकर हम खुश रह सकते हैं, हम अपने घर में माता लक्ष्मी को स्थिर रूप से विराजमान कर सकते हैं, हम अपने संतानों की भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी होती है यदि आप ये सारी आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।